नमस्कार, मैं हूं ऋतु शर्मा। युवा वाणी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कुश्ती जैसे पुराने खेल को ओलंपिक खेलों से हटाए जाने की बात की जा रही है, तो आइए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनकी क्या राय है इस विषय पर। कुश्ती को ओलंपिक से हटाने की बात की जा रही है, सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो कुश्ती को ओलंपिक से हटाए जाने की बात की जा रही है वो संभावनाएं हैं अभी, और उसमें अभी कंफर्म नहीं हुआ है। IOC को इस पे फैसला करना है, और अभी दो मीटिंग्स हैं, दो विंडोज हमारे पास अभी बाकी हैं। एक तो मई में रशिया में मीटिंग होनी है, और दूसरी मीटिंग होनी है सितंबर में, जो कि अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में होनी है। तो उस पर वोटिंग होगी और तब फैसला लिया जाएगा कि रेसलिंग को उसमें रखा जाता है, हटाया जाता है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है और मुझे बहुत निराशा हो रही इस चीज़ से, क्योंकि इस गेम से मेरी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं, और अब तो कुश्ती जगत में मतलब सुशील कुमार जी बिल्कुल छाए हुए हैं और हम भी उनके कदमों पे चलना चाहते हैं, लेकिन ये सुन के मुझे बहुत अफसोस जाहिर कर रहा हूँ मैं। ये तो गलत बात है, पुरानी चीज़ है अच्छी, और लोग पुराने लोग अभी उसके चॉइस करने के लिए बैठे हैं, उसको देखने के लिए बैठे हैं, तो गलत बात है। इसको हटाना उचित तो नहीं है मेरे समझ से। हमारे यहाँ कुश्ती हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई एक कला और एक गेम है, इसलिए कुश्ती होनी जरूरी है। कुश्ती से हर आदमी के अंदर फिजिकली टाइटनेस और देश का नाम रोशन होता आया है, इसलिए कुश्ती बहुत कंपलसरी हमारे देश के लिए है। कुश्ती ओलंपिक में होनी जरूरी है। कहा जा रहा है रूस और अमेरिका मिलके बात करेंगे इस विषय पे कि इस गेम को आगे रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो आपको लगता है कि बातचीत से ये चीज ठीक हो सकेगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्यों नहीं ठीक होगी। पुरानी चीज, वहाँ भी लोग पुराने होंगे, उसके चॉइस करने वाले होंगे, तो क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं होगा। उसका तो उनको कहना चाहिए कि, और खेल के इसको जारी रखना चाहिए। बहुत लोग इसके चॉइस करने वाले हैं, अच्छा खेल है कुश्ती, तो अच्छी खेल है, गेम अच्छा खेल है। देखिए, बातचीत से क्योंकि अब सब कुछ लॉबिंग पे टिकेगा, जो बाकी कंट्रीज हैं एशिया के अंदर हो गई, जापान हो गया, ईरान हो गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, कोरिया हो गया, तो ये चाइना हो गया, ये जो लीडिंग कंट्रीज हैं ये हो गई, उसके बाद फिर इजिप्ट हो गया, फिर आपका टर्की हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, उधर हम अमेरिका की बात करें, क्यूबा की बात करें, तो ये सब कंट्री जब प्रेशर डालेंगी तो उसका फर्क तो पड़ेगा। देखिए, लॉबिंग से फायदा तो होगा, बिल्कुल होगा। ये जो भी अगर निर्णय आएगा इंडिया के फेवर में ही आएगा, कुश्ती का जो निर्णय है वो बिल्कुल इंडिया के फेवर में ही आएगा। मेडल की बात की जाए कुश्ती में, तो सर ओलंपिक में भारत को 6 मेडल मिले थे जिसमें 2 कुश्ती के लिए मिले थे, उसके बाद भी इस तरह के कुश्ती के ऊपर ही क्यों सर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कुश्ती के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि अब मॉडर्न वर्ल्ड है और मॉडर्न स्पोर्ट्स हो गया है, और समय के अनुसार चीजों में बदलाव आता है, और ये होस्ट कंट्री पर डिपेंड करता है और IOC पे करता है कि कहाँ से उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस गेम की टीवी रेटिंग क्या है, उसकी लोकप्रियता क्या है। और IOC भी पैसे से चलती है, जहाँ उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो उनको उस तरफ जाना पड़ता है। क्या इसका कारण ये है कि लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा गलत है। कुश्ती भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। कुश्ती से रिलेटेड बड़े बड़े पहलवान यहाँ हुए हैं, जैसे दारा सिंह और भी लोग, तमाम मेडल जीते, तमाम चीजें जीते, इसलिए कुश्ती को यहाँ के लिए बहुत जरूरी है ओलंपिक में रखा जाए। नहीं, बिल्कुल है, आप इंडिया के अंदर जाएं तो कुश्ती ही मेन, अभी भी जो है मेन कुश्ती ही है, जो हमारा स्पोर्ट्स मैन है वो इंडिया के अंदर कुश्ती ही है जो है। भाई, अब जो नए लोग हैं उनको ना पसंद आए वो बात की बात है, पुराने जो जुड़े हैं इससे उनको क्यों नहीं पसंद है? उनको बहुत इतराज करने वाले बैठे हैं अभी अभी, आप पता करोगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस पे जो है इतराज करेंगे और जो है इस चीज़ का विरोध करेंगे। पुराने लोग तो विरोध करेंगे करेंगे, अब नए की बात अलग है। भाई, क्रिकेट निकल गया, तमाम खेल निकल गया, उसकी बात अलग है, पर पुराने लोग तो कुश्ती का और इस चीज़ का पूरा विरोध करेंगे। आप लोग हैं, बाकी युवा वर्ग है जो इसमें अपना कैरियर बनाते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं खासकर कुश्ती के लिए ही, किसी और स्पोर्ट्स के लिए नहीं, तो आप कैसा फील करते हैं? मैम, दुखी जाहिर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप जैसे सहयोग करोगे तो हम अपनी बातों को आगे पहुंचा सकते हैं, हम दोस्तों में आपस में बात चलते हैं, लेकिन सभी दुख जाहिर कर रहे हैं इस बात से, और बहुत दुख हुआ। लंदन ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद भी कुश्ती पर इस तरह की गाज गिर रही है। लोगों की माने तो उनका कहना है कि ऐसे खेलों को ओलंपिक से बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि सरकार को कुश्ती जैसे खेल को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।